अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज हम अपनी इस वीडियो में ऑफ्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट और ऑफ्टो कैल्शियम सिरप के बारे में बात करेंगे। जानेंगे ये इनके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसको कब लेना चाहिए, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कैल्शियम हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, कैल्शियम हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में स्टोर रहता है, बाकी 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारा शरीर दांतों और हड्डियों से कैल्शियम को लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर होने लगते हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने से हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हल्के से गिरने या मुड़ने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। बच्चों में दांतों का लेट निकलना, साथ ही साथ उनका पूर्ण विकास न होना कैल्शियम की वजह भी हो सकती है। दांतों का टूटना, हड्डियों में फ्रैक्चर होना कैल्शियम की वजह से हो सकता है। शरीर के जोड़ों में दर्द बना रहना या फिर हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आना, नाखूनों का टूटना, बालों का झड़ना, स्किन सूखी व खुशक हो जाना कैल्शियम की वजह से ही होता है। इस तरह की सारी प्रॉब्लमें कैल्शियम की वजह से होती हैं। अगर आपने हाल ही में एस्ट्रॉइड मेडिसिन जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन इस तरह की मेडिसिन का यूज किया है, तो उस केस में डॉक्टर आपको कैल्शियम की टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड मेडिसिन लेने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, तब डॉक्टर इस कैल्शियम टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में कैल्शियम की सख्त ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर आप दूध और दही का सेवन बहुत ही कम करते हैं, तो उस केस में आपको कैल्शियम की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है। पहले हम बात करेंगे ऑस्टो कैल्शियम सीरप के बारे में। यह GSK कंपनी का एक प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही फेमस यह सीरप है। इस सिरप की MRP 151 रुपये है। यह मैं मैन्युफैक्चरिंग मई 2021 की बता रहा हूँ। इस सिरप में विटामिन D3 200 इंटरनेशनल यूनिट पड़ा होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन B12 2.5 mcg पड़ा होता है। इसमें कैल्शियम 82 mg पड़ा होता है। इस सिरप पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर की परामर्श के बाद ही दें। 1 साल से बड़े बच्चे इसको 1 से 2 चम्मच दिन में 1 बार ले सकते हैं। साथ ही साथ 5 साल से बड़े बच्चे इसको 2 चम्मच से 4 चम्मच दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट भी GSK कंपनी का प्रोडक्ट है। इसकी MRP 178 रुपये 95 पैसे है। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2021 की बता रहा हूँ। इस शीशी में 30 टैबलेट्स होते हैं। टैबलेट में विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट पड़ा होता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम 250 mg पड़ा होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन D3 इसलिए डाला जाता है क्योंकि बिना विटामिन D3 की मदद से हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वह यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 डाला जाता है। इस सिरप पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों को 1 टैबलेट दिन में 1 बार दी जा सकती है, साथ ही साथ एडल्ट लोग के लिए यह 1 टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद हल्के गर्म दूध या फिर पानी के साथ आप ले सकते हैं। इस टैबलेट को चबा कर ही खाएँ क्योंकि यह एक च्यूएबल टैबलेट है। यह टैबलेट और सिरप का यूज आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति ना हो जाए। कैल्शियम की जांच कराने के लिए आप कैल्शियम सीरम टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा का पता चल सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको ऑफ्टो कैल्शियम प्लस टैबलेट और ऑफ्टो कैल्शियम सीरप के बारे में जानकारी मिली होगी। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मेडिसिन रिव्यू
और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।